दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि इंश्योरेंस प्रोफेशन जो आपने चुना है, इस इंश्योरेंस प्रोफेशन में आप मेहनत करते हैं, आप पूरी शिद्दत के साथ पूरी लगन के साथ मेहनत करते हैं, और मेहनत करके आपको जो आउटपुट आता है उतना आउटपुट नहीं आता है जितनी आप मेहनत करते हैं। आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, आप अपनी तरफ से जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी कस्टमर आपसे बात नहीं करता है। आप ये नहीं जानते कि हम क्लाइंट कैसे ढूंढें, कस्टमर कैसे ढूंढें, जो हमें रियल कस्टमर है वो कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको वो 10 तरीके बताने वाला हूँ जिन तरीकों को यूज़ करके आप अपने लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। और लास्ट में जो मैं आपको दो टिप्स बताऊंगा, लास्ट में जो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, वो दो तरीके आपके लिए ज़बरदस्त तरीके होंगे जिनके द्वारा आप हज़ारों इंश्योरेंस लीड जनरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपने स्किप किया तो आपकी नॉलेज बहुत कम रह जाएगी। क्योंकि मेहनत हम करते हैं, उस मेहनत के अकॉर्डिंग हमें तभी मेहनत करने का फायदा है जब हमें रिजल्ट निकले। आप आँख बंद करके अगर मेहनत किए जा रहे हैं, सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे हैं, गलत दिशा में आप मेहनत कर रहे हैं, तो फिर उस मेहनत का फायदा क्या हुआ। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए जरूरी है। तो चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हम आज के इस टॉपिक को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन तरीकों के बारे में जो तरीके हर एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों हम जो काम करते हैं उस काम के लिए हम मेहनत करते हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं, और सब लोग चाहते हैं कि हम मेहनत करें तो हमें उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट भी निकलना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट भी आने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमारी इनकम भी आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जितनी मेहनत आप करते हैं उतना आपको रिजल्ट मिलता है? क्या जितनी मेहनत आप करते हैं उतना आपका बिजनेस क्लोज होता है? बताइए आप मुझे। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हम मेहनत तो अपनी तरफ से पूरी करते हैं, लेकिन अगर मेहनत हम गलत दिशा में कर रहे हैं, मेहनत के लिए हम सही एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, एफर्ट्स तो लगा रहे हैं लेकिन हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं वो सही दिशा में नहीं लगा रहे हैं, गलत दिशा में हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ, राइट? अगर आप मान के चलो मेहनत तो एक बोरी ढोने वाला आदमी भी करता है, एक मिट्टी उठाने वाला आदमी भी मेहनत करता है, सुबह से शाम तक वो मिट्टी उठाता रहता है, तो फिर अगर हम देखें कि मेहनत करने वालों के पास पैसा होना चाहिए तो फिर सबसे ज़्यादा पैसा तो बेचारों के उनके पास होना चाहिए जो सुबह से शाम तक बोरी उठाने का काम करते हैं, जो सुबह से शाम तक ट्रक में बोरियां भरते हैं, उनके पास पैसा होना चाहिए। फिर मेहनत से पैसा नहीं मिलता है, सही दिशा में मेहनत करने से पैसा मिलता है दोस्तों। अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो पैसा मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसे तरीके जिन तरीकों को यूज़ करके आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं, क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि जब भी हम अपने इंश्योरेंस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम इनिशियल लेवल से स्टार्ट करते हैं, हमारे माइंड में कोई तरीके नहीं आते हैं कि हम क्लाइंट कैसे ढूंढें। हर कोई चाहता है कि क्लाइंट मिले लेकिन क्लाइंट मिलते नहीं हैं। तो उनमें से हम सबसे जो बेसिक तरीका है उस तरीके को अपनाते हैं, वो है डोर टू डोर सेलिंग। जब हमारे पास कोई तरीका नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, पहला तरीका अपनाते हैं और वो होता है डोर टू डोर सेलिंग, यानी कि आँख बंद करके निकल जाते हैं मार्केट में और जाके लोगों से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। जितने ज़्यादा लोगों से बात करेंगे उतने प्रोस्पेक्ट बनेंगे, जितने ज़्यादा लोगों से बात करेंगे उतने लोग हमारी बात सुनेंगे, हमारे प्रोडक्ट को जानेंगे, राइट? वहाँ से आपके पास डाटा इकट्ठा होगा, उनका ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर। मैटर ये नहीं करता है कि वो प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, चाहे वो बेसिक प्रोडक्ट ना खरीदें लेकिन वो आपकी बात सुनेंगे। आप उनको जाके अपना विजिटिंग कार्ड देंगे, आप उनसे बात करेंगे तो वो आपके प्रोडक्ट के बारे में सुनेंगे। कोई बात नहीं, आज प्रोडक्ट नहीं लिया, आप अपनी डायरी में उनके नंबर उनके नाम नोट करते जाइए, राइट? और डोर टू डोर सेलिंग से क्या होता है, डोर टू डोर आप लोगों से जाके मिलेंगे, जब आपके पास डाटा इकट्ठा होता जाएगा उस डाटा के को आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, उनको आप बल्क SMS भेज सकते हैं। तो पहला तरीका सबसे पहले आपको क्या अपनाना है, आपको डोर टू डोर सेलिंग स्टार्ट करना है, आपको निकल जाना है, भले ही आपको कुछ नहीं आता है, आप मार्केट में निकल जाएं, लोगों से बात करें कि सर हम सर्वे कर रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि जानना चाहते हैं कि मार्केट में कितने लोग इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखे हैं, हम जानना चाहते हैं कि कितने लोगों के पास LIC पॉलिसी है। इस तरीके को आप अपनाएंगे तो लोग आपसे बात करेंगे, आपको अपना डाटा शेयर करेंगे, बताएंगे कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे पास है या नहीं है। अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपके पास लोग जुड़ते जाएंगे। तो पहला तरीका आपको अपनाना है डोर टू डोर सेलिंग। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने दूसरे तरीके की, और दूसरा तरीका है कि आपने देखा होगा कि मार्केट में जब आप जाते हो, मार्केट के बाहर
अलग अलग कंपनी के स्टॉल लगे रहते हैं। आप भी मार्केट के बाहर जाकर स्टॉल लगा सकते हैं। स्टॉल का फायदा ये होता है कि वहाँ पे आप लिख सकते हैं, अपने बाहर एक बैनर लगा सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर इंश्योरेंस, राइट, हम इंश्योरेंस के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो लोग आपके पास आएंगे, हो सकता है जो लोग आपके पास आ रहे हैं उनका कुछ प्रॉब्लम रहा हो, वो कभी इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो सकता है किसी को एड्रेस चेंज कराना है, किसी को नॉमिनी चेंज कराना है, कोई अपने एक सिटी से दूसरी सिटी में है उसको अपनी ब्रांच ट्रांसफ़र करानी है, तो लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि लोग हर किसी के पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, बस उनको सर्विसेज नहीं मिल रही है टाइम पे। तो लोग आपके पास आएंगे, आपसे अपनी प्रॉब्लम साझा करेंगे, आप उनका डिटेल नोट करते जाइए और आपके पास उनका डाटा इकट्ठा होता जाएगा, राइट। आप उनको अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए, आप उनसे नाम लीजिए, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो ये दूसरा तरीका है जिसके द्वारा आप क्लाइंट का डाटा ले सकते हैं, क्लाइंट आपके पास आएगा, राइट। फिर आप क्या होगा, स्टार्टिंग में एकदम से जाके क्लोजिंग नहीं हो पाएगी कि आपने पहली मीटिंग में ही पॉलिसी क्लोज कर दी, वो बहुत रेयर केसेस में होगा, बट अल्टीमेटली वो आपसे बात करेंगे, आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, आपसे अपने नंबर शेयर करेंगे, तो आप उनको फ्यूचर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये दूसरा तरीका है जो बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा तरीका दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने तीसरे तरीके की, और तीसरा जो तरीका है वो है आप कंपनी के बाहर कैनोपी लगा सकते हैं। जैसा आपने स्टॉल लगाया था मार्केट में, इसी तरीके से आप कैनोपी लगा सकते हैं। और आप भी जानते हैं कि कोई भी कंपनी होती है, हर किसी कंपनी के एम्प्लॉय को अपना टैक्स सेव करने के लिए टैक्स सेविंग करनी होती है, राइट। और जो लोग टैक्स सेविंग करते हैं उनको अपना इंश्योरेंस पॉलिसी करानी होती है ताकि वो अपना ATC में इनकम टैक्स बेनिफिट ले पाए। तो आप कोई जगह ढूंढिए, आप कोई कंपनी की जगह ढूंढिए कि जो कंपनी है, जो MNC कंपनी है, जिस कंपनी के बाहर आप स्टोर लगा सकते हो, कैनोपी लगा सकते हो, उस कैनोपी को आप लगाएंगे तो जब लोग बाहर निकलेंगे कंपनी से, राइट, क्योंकि अब लंच टाइम होता है ना, डिनर टाइम होता है, या फिर सुबह के टाइम में अगर कोई कॉल सेंटर है तो सुबह के टाइम में वो ब्रेकफास्ट के लिए बाहर निकलते हैं, तो जब एम्प्लॉय बाहर निकलेंगे तो आपका कैनोपी वहाँ पे, आपका स्टॉल वहाँ पे लगा होगा, तो लोग आगे आपसे बात करेंगे कि भाई क्या है, कौन सी पॉलिसी है ना, घर में बच्चे के लिए पॉलिसी लेनी है, क्योंकि सपोज किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है तो वो बच्चे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहेगा, है ना, तो वो आपसे जानेगा कि भाई क्या पॉलिसी है, जरा बताइए, तो इससे भी आपको अच्छा रेस्पॉन्स आएगा। तो तीसरा जो तरीका मैंने आपको बताया कि आप कंपनी के बाहर कैनोपी लगा सकते हैं। दोस्तों चौथा तरीका है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, तो आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, बट ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दे सकते हैं, या फिर आप न्यूज़पेपर के बीच में आप देखते हैं ना कि आपने कोई पैम्पलेट प्रिंट करा लिया, उस पैम्पलेट को आप न्यूज़पेपर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं, जो भी न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनसे आप सेटिंग कर सकते हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कोई भी सोसाइटी में जाते हैं, कोई अच्छी सोसाइटी आप चुनिए, उस अच्छी सोसाइटी के न्यूज़पेपर को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उनसे आप बात करिए कि भाई मैं इस सोसाइटी में ये अपना एडवर्टाइजमेंट देना चाहता हूँ न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो वो लोग आपके जो पैम्पलेट होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हर सोसाइटी में, राइट। तो वहाँ से भी आपको अच्छा रेस्पॉन्स आता है, मैंने खुद देखा है दोस्तों, मैंने पर्सनली देखा है कि जब हमने न्यूज़पेपर में पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कराए तो कोई नई पॉलिसी सपोज लॉन्च हुई है, तो उस नई पॉलिसी को लॉन्च होने के समय पर हमने जब एडवर्टाइजमेंट दिया, वहाँ पे हमारा नंबर था, तो वहाँ से कस्टमर कॉन्टैक्ट करते थे, हमसे बात करते थे कि भाई ये नई पॉलिसी लॉन्च हुई है, ये क्या है, राइट। तो वहाँ से भी आप अच्छा रेस्पॉन्स ले सकते हैं। अब दोस्तों अगला तरीका है SMS मार्केटिंग ये कि जो अभी तक आपने एक्टिविटी की है, जितनी एक्टिविटी मैंने आपको बताई ये सारी एक्टिविटी आपने की है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो यहाँ से आपके पास जितने भी कस्टमर्स के ईमेल आईडी, सॉरी जितने भी कस्टमर्स के मोबाइल नंबर आपके पास आए हैं, उन सभी मोबाइल नंबर्स को आप इकट्ठा कीजिए, और इकट्ठा करने के बाद आप उन पर SMS कर सकते हैं, बल्क SMS कर सकते हैं, राइट। बल्क SMS आप कर सकते हो, उनको SMS भेज सकते हो, एज पर ट्राई जो नॉर्म्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उन सभी को आप SMS कर सकते हो। तो वो लोग आपको जानते हैं क्योंकि आप उनसे मिल चुके हो, अब वो आपका नाम भी जानते हैं, जब आप उनको मैसेज करोगे, आपका नाम लिखा होगा और आप उनको पॉलिसीज के बारे में मैसेज करेंगे, तो वो उनके माइंड में रहेगा कि हाँ आपसे कॉन्टैक्ट हुआ था, है ना। हो सकता है आपको ध्यान ना हो, है ना, कि भाई इसको बच्चे के लिए पॉलिसी करानी है, तो आपके पास पूरी एक्सेल सीट है, आपके पास पूरा डाटा है, आपने उनको मैसेज कर दिया, तो जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। तो SMS के थ्रू भी आप क्लाइंट ढूंढ सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो।
अगला जो तरीका दोस्तों वो है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग सेम इसी तरीके से है जैसे आपने एसएमएस किया, इसी तरीके से आप ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। और जितनी भी आपने लोगों से अभी तक बात की, चाहे वो डोर टू डोर सेलिंग से की हो, डोर टू डोर मार्केटिंग से की हो, या फिर आपने कैनोपी लगाई हो, स्टॉल लगाया हो, किसी भी तरीके से आपने क्लाइंट से डाटा इकट्ठा किया है, अगला जो तरीका मैंने बताया वो है ईमेल मार्केटिंग। तो सबकी ईमेल आईडी आपके पास है, राइट? तो उन ईमेल आईडी पर आप बल्क ईमेल कर सकते हो। एक अच्छा सा आप बैनर बनाएंगे, उस बैनर को आप शूट करेंगे उन सभी ईमेल आईडी पर, तो वो सभी जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, जिनके नंबर आपके पास हैं, जिनकी ईमेल आईडी आपके पास है, उनके ईमेल पर आपका ईमेल जाएगा। वो चेक करेंगे, उसको पढ़ेंगे, किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ईमेल मार्केटिंग के द्वारा भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों जो अगले तीन तरीके मैं बताने वाला हूं, 8, 9 और 10, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके हैं जो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करके आप लीड जनरेट कर सकते हो, हजारों लीड जनरेट कर सकते हो, आप विश्वास नहीं करोगे। और यहां से रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था दोस्तों। सबसे पहले है गूगल एड्स, पॉइंट नंबर 8, गूगल एड, राइट? जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, एमएनसी कंपनियां हैं, कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, जितने भी ब्रोकर्स हैं, वो सब गूगल एड के द्वारा एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं, राइट? गूगल पर जाके आजकल लोग सर्च करते हैं। कोई एमएनसी कंपनी में बैठा हुआ है या कोई आईटी कंपनी में काम करता है, वो किसी एजेंट को तो जानता नहीं है, वो क्या करेगा, उसको कंप्यूटर की हैबिट हो चुकी है, कंप्यूटर की आदत लग चुकी है, वो कोई भी चीज़ सर्च करता है ना, उसको बर्गर खाना है ना, वो इंटरनेट पर सर्च करेगा, उसको कुछ ट्यूशन देखना है ना बच्चे के लिए, वो इंटरनेट पर सर्च करेगा, कुछ भी काम करना है उसको, वो इंटरनेट पर सर्च करेगा, गूगल पर सर्च करेगा। तो लोगों को हैबिट बन चुकी है गूगल की, तो क्लाइंट क्या करेगा, गूगल पर जाके सर्च करेगा। किसी को अपने बच्चे के लिए पॉलिसी करानी है तो वो सर्च करेगा आई वॉन्ट टू बाई चाइल्ड पॉलिसी या विच इज द बेस्ट चाइल्ड पॉलिसी। अगर उसने गूगल पे सर्च किया और आपका एडवर्टाइजमेंट उसको दिखाई दे गया तो दोस्तों वो आपके एड पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर चला जाएगा और वहां पे आप लगा के रखेंगे एक इंक्वायरी फॉर्म जिसमें क्लाइंट अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेगा, तुरंत इंक्वायरी आपके पास पहुंच जाएगी, राइट? तो आपको एक क्लाइंट मिल चुका है, वो आपका एक प्रोस्पेक्ट बन चुका है जो पॉलिसी आपसे ले सकता है। तो गूगल एड से आप बहुत अच्छा क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो। तो कोशिश करें गूगल एड सीखने की। अगर आप नहीं जानते कि गूगल एड कैसे रन करना है तो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर आपको सर्च क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग आप सर्च करके वहां पे मैंने 35 लेसन्स बनाए हुए हैं, उन सभी में मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कैसे आप गूगल एड रन कर सकते हैं, फेसबुक ऐड कैसे रन कर सकते हैं और यूट्यूब ऐड कैसे रन कर सकते हैं। तो सारी वीडियो आपको देखनी है, आप वीडियो देखेंगे तो आप सीख जाएंगे कि कैसे गूगल ऐड रन करना है। तो दोस्तों गूगल ऐड बहुत ही बढ़िया तरीका है लीड जनरेट करने के लिए, जिसमें आप कीवर्ड के अकॉर्डिंग अपना बिड सेट करते हो, राइट? अगला जो पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट नंबर 9, वो है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, राइट? दोस्तों फेसबुक एडवर्टाइजमेंट भी बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि आप अगर चाहते हो कि आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो आईटी कंपनी में काम करते हैं, राइट? कोई काम करता है एमएनसी कंपनी में, या आप उन लोगों को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो जो आईआईटी से पास आउट है या आईआईएम से पास आउट है, उन लोगों को आप अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो। आप जरा सोचिए, जो आईआईटी या आईआईएम से अपना पास आउट किया हुआ जिसने, तो उसका सैलरी पैकेज क्या होगा दोस्तों, उसका सैलरी पैकेज क्या होगा? आप उन लोगों को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, अगर उनमें से एक क्लाइंट के, किसी एक के पास भी पॉलिसी आप दे देते हो ना, तो वो लाखों में आपका पॉलिसी खरीदेगा। उसको अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लेनी है तो वो लाखों का प्रीमियम पे कर सकता है, इतनी कैपेसिटी है उसकी। आप टारगेट कर सकते हो डॉक्टर्स को, जो डॉक्टर्स हैं, जो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स हैं, फेसबुक के द्वारा आप उन लोगों को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हो। तो दोस्तों फेसबुक ऐड के द्वारा भी आप बहुत क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो, ये भी मैंने सिखाया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर डिजिटल मार्केटिंग सर्च करें और डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा आप फेसबुक ऐड भी रन करना सीख सकते हैं। ये था मेरा पॉइंट नंबर 9। और सबसे लास्ट पॉइंट है जो मैं हर बार कहता हूँ, हर किसी को अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, आपको भी यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। अगर नहीं आता है कैसे यूट्यूब चैनल बनाना है तो मेरी वीडियो में, मैंने डिजिटल मार्केटिंग प्लेलिस्ट में जो वीडियो बनाई है उसमें यूट्यूब चैनल बनाना भी सिखाया हुआ है। यूट्यूब चैनल बनाकर भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। अगर किसी को पॉलिसी खरीदनी है तो ऐसा नहीं कि जाते ही पॉलिसी खरीद लेगा, वो पहले उस पॉलिसी को समझना चाहेगा। LIC की कन्यादान पॉलिसी है, अगर मुझे खरीदनी है तो मैं ऐसा नहीं कि LIC ऑफिस में जाके खरीद लूंगा, पहले मैं उस पॉलिसी के बारे में जानना चाहूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं YouTube पे वीडियो देखूंगा कि LIC कन्यादान पॉलिसी क्या है। मैं YouTube पे वीडियो देख रहा हूं तो आप अगर उस वीडियो में अच्छे से समझा रहे हो और आपने अपना नंबर दे रखा है वहां पे कि अगर आप पॉलिसी खरीदना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे खरीदनी है पॉलिसी, आप बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे हो, तो हो सकता है मैं आपसे पॉलिसी खरीद लूँ।
राइट। तो यूट्यूब एड के द्वारा भी आप क्लाइंट ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको 10 तरीके बताए, जो 10 तरीके बहुत ही जबरदस्त तरीके हैं, और लास्ट के जो 3 तरीके हैं ना वो बहुत जबरदस्त तरीके हैं, इनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन 10 तरीकों में से अगर आप कोई भी 3 तरीके आजमाएंगे दोस्तों, तो आप इस साल 2022 में MDRT जरूर कर सकते हैं। 2022 में आपकी MDRT कोई नहीं रोक सकता है अगर आप इनमें से कोई 3 तरीके अपनाएंगे। कोशिश करिए दोस्तों, लगन से मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत तो आप करते हो लेकिन सही दिशा में, सही डायरेक्शन में आपकी मेहनत नहीं जा रही है। तो इस मेहनत को सफल बनाने के लिए आप इस अपने तरीके को सही दिशा में लेके जाइए। आपकी MDRT भी होगी, COT भी होगी और TOT भी होगी। दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और संडे रात 9 बजे मैं अपना लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूँ हर संडे, तो अगर आप मुझसे सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझसे सवाल लाइव शो में कर सकते हैं, जिसमें आपके प्रश्नों का जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।